हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वर्त स्टडी। आज हम घातांक और करणी की सीरीज में करणी से संबंधित क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके के क्वेश्चन जरूर ही जरूर एग्जाम में आते हैं, है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि करणी 12 प्लस करणी 12 प्लस करणी 12 ऐसे ही चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना, अनंत तक जो होता है ये करणी 12 12 होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम एक इजी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां है 12, करणी 12 है ना, तो 12 को हमको ऐसे इसके गुणनखंड निकालना है कि उनका अगर हम गुणा करें तो 12 आना चाहिए, लेकिन उनका जो गैप हो वो 1 होना चाहिए, है ना। मतलब उनको अगर हम घटाएं तो 1 होना चाहिए, है ना, 1 का गैप होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं। पहले तो गुणनखंड निकालेंगे कैसे, 2 से 2 छिंग 12 और यहां आ जाएगा 2 तिया 6 और यहां 3 एकम 3। अब हमको ये पता चल गया कि इसके गुणनखंड ये हैं, लेकिन इनको अगर हम 3 में 2 का गुणा करें फिर 2 का इसमें करें तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना। मतलब हमको 2 अंक लेना है। 2 अंक कैसे, कि उनका गुणा करने पर हमको 12 प्राप्त हो और उनका गैप जो हो वो क्या हो, 1 हो। तो अगर हम इसको 2 2 4 4 गुणित 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 होता है। और इनका अगर हम माइनस करें, 4 में से 1 घटाएं तो हमको कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और यही हमको करना है, 1 इनका क्या हो, 1 इनका गैप हो, है ना। माइनस करने में 1 प्राप्त हो और गुणा करने में हमको यही 12 प्राप्त हो। तो हमने इस तरीके से हमने इसका निकाल लिया। अब इसको अगर हम क्या करेंगे कि अगर प्लस है, 4 गुणित 3 है, है ना, ये है। अगर प्लस है, प्लस क्या है, यहां पर 12 प्लस है ना, अगर प्लस की जगह है तो जो है बड़ी संख्या आएगी। मतलब ये प्लस का और ये माइनस का, 2 संख्या है ये ज्ञात कर लेना है। और अगर करणी के अंदर प्लस प्लस है तो प्लस का बड़ी वाली संख्या आएगी और अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या आएगी। मतलब अगर प्लस है तो यहां 4 आएगा और माइनस है तो 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका 4, क्योंकि प्लस है तो बड़ी संख्या आएगी और माइनस है तो छोटी संख्या आएगी। बस इतना करना है, बहुत ही इजी है। हम इसको सेकंड क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अब जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 30 प्लस 30 प्लस 30 है ना। मतलब करणी के अंदर क्या है, करणी 30 प्लस करणी 3 प्लस करणी 30 और प्लस करणी 30, ऐसे ही चलता जाएगा अनंत तक, इन्फिनिटी तक क्या है, ऐसे ही होगा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, जो अभी हमने ट्रिक आजमाई थी उसी को हम इसमें भी करते हैं। हमने क्या किया था, 30 का क्या निकाले थे, गुणनखंड। तो हम 30 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 30 के गुणनखंड क्या आएंगे, ये जाएगा 2 से 2 15, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 5 15, अब ये 5 से ही जाएगा, तो 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, अब हमको ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करने में हमको 30 प्राप्त हो और अगर उसको घटाएं तो हमको 1 प्राप्त हो, है ना। तो अगर हम इसको क्या कर देंगे, 3 दूनी 6 और 5 में अगर हम गुणा कर देंगे तो मतलब 6 गुणित 5 कर देंगे, है ना। तो 6 गुणित 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 का 30, और अगर इसको हम 6 में से 1 5 को घटाएं तो 1 ही हमको प्राप्त होगा, है ना। इस 2 का 3 में हमने गुणा कर दिया, इस तरीके से हमको 1 का गैप इसमें मिल जाएगा, है ना, 1 का गैप मिलेगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको 6 और हमारे पास क्या आ गया, 5, 6 गुणित 5 आ गया और ये 30 भी होता है। अब यहां प्लस का साइन है ना, ये प्लस का है ना। अगर माइनस का होता तो माइनस का हम 5 लेते और प्लस का है तो 6 लेंगे, है ना, प्लस का है तो 6 लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, प्लस का, और ये कहलाएगा माइनस का, है ना। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 6, ये हमारा आंसर आएगा, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा माइनस वाला, है ना। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें भी हम 110 की क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो 110 के हम अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10, है ना। अब 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब जाएगा 11 से, तो हम 11 कर देते, 11 एकम 11। अब इसमें भी हमको वही करना है, दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने में हमको 110 प्राप्त हो और उनका जो अंतर हो वो 1 हो, है ना।
तो 5 × 10 हम ऊपर से लेते, 5 × 10 हो गया, 10 ले लिया और 11 ले लिया, है ना, तो 11। अब इनका गुणा करेंगे तो हमको 110 प्राप्त होगा, और इनका गैप भी है कितना, एक का 11 में से अगर हम क्या कर देंगे 10 घटाएंगे तो माइनस, मतलब एक तो प्राप्त होगा, 11 में अगर हम 10 को घटा देंगे तो एक प्राप्त होगा। तो हम यहां क्या करते हैं, 10 और 11 दो संख्याएं हमारे पास आ गई, 10 और 11। अब जो है अगर माइनस का साइन है तो छोटी वाली संख्या और प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या, ये हमने अभी दो वीडियो में बता भी दिया है ना। अगर प्लस का जो साइन है तो मतलब हमको बढ़ के लेना है, मतलब 11 लेना है, और यहां माइनस है तो हमने 10 लेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा, यही हमारा इसका आंसर है। अब लेकिन अगर ये ट्रिक जो है इस वाले क्वेश्चन में, फोर्थ वाले में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हम इसके 3 के गुणनखंड तो निकाल ही नहीं सकते हैं, 3 के गुणनखंड निकालना मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे, अब इसके लिए हमको जो मेथड होती है ओरिजिनल उसी को हमको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और ऐसे करके इन्फिनिटी तक है, अब इसके लिए हम जो मेथड चली आ रही है उसी को लेंगे। अब हम इसको अनंत तक ले सकते हैं, मतलब इसका जो मान है हम मान लेते हैं x मान लेंगे, तो x का मान क्या होगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और फिर इसके अंदर प्लस होगा अंडर रूट 3, ऐसे ही चलता जाएगा कहां तक, अनंत तक, है ना, अनंत तक चलता जाएगा ना ऐसे। तो इसको अगर हम ये 3 को छोड़ दें, है ना, एक अंडर रूट 3 को हम छोड़ दें और बाकी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 ले, तो उसका मान भी x ही होगा, है ना, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक है, तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x और अंडर रूट 3 प्लस x, है ना, सबको हम x ही मान लिए हैं तो इसको सीधे x लिख देते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना, तो इन्फिनिटी इसमें हट जाएगा अपना, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब इनको करते हैं दोनों का, दोनों मतलब कि बराबर के इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, वर्ग कर देंगे, तो x का वर्ग करेंगे तो x, जो चीज बराबर के अगर लेफ्ट साइड करेंगे वही चीज राइट साइड भी होगा, मतलब दोनों साइड अगर हम बराबर कुछ भी कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, घन कर सकते हैं, कुछ भी हम करेंगे तो एक साइड नहीं कर सकते, बराबर के दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों में करना है ना। तो हम अगर x का वर्ग करेंगे तो यहां भी वर्ग होगा, अब यहां वर्ग होगा तो कर्णी वर्ग से कट जाएगी, कट जाएगी ना, वर्ग करेंगे तो कर्णी कट जाएगी, तो यहां बचेगा हमारे पास 3 प्लस x, ये बचेगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो x स्क्वायर और यहां जो है माइनस हो जाएगा, है ना, यहां हम जो क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो यहां आ जाएगा माइनस 3 और माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, 0। हमने पूरा क्या कर लिया, सभी को एक साइड कर लिया, ये कर लिया ना हमने। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमको फॉर्मूला आजमाना पड़ेगा, कौन सा, इनके गुणनखंड निकालने के लिए फॉर्मूला हमको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 को बांट नहीं सकते, मतलब कि इनके गुणनखंड हम निकाल के इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमको फॉर्मूला लगाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे होता है 2a, क्या होता है 2a। अब इसमें क्या है, बी क्या है, बी हमारा कहलाएगा a, सबसे पहले तो a है, तो a हमारा कहलाएगा x का गुणांक, और b कहलाएगा क्या हमारा, ये x, और c कहलाएगा हमारा 3, ये कहलाएगा। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, इनकी वैल्यू क्या है रख देंगे, तो वैल्यू रखते हैं, तो सबसे पहले है हमारा क्या, तो इसकी वैल्यू तो हम लिख लेते हैं पहले। तो यहां देखिए, अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक ही है ना, x के कुछ नहीं है तो 1 है, और माइनस 1 किसका है, b का, मतलब माइनस 1 क्यों है, क्योंकि x का गुणांक क्या है, माइनस 1, तो माइनस 1 b कहलाएगा, है ना, और c क्या कहलाएगा, ये जो बचा है माइनस 3, तो माइनस 3 c का कहलाएगा, है ना, ये कहलाएंगे किसके, a और b और c के मान। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें पुट करना है, तो हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी मतलब माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अभी हम लिख देते हैं माइनस 1,
और प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस हम लिख दिए। अब बी स्क्वायर मतलब माइनस एक का स्क्वायर, और यहां क्या कहलाएगा, माइनस फोर एसी, तो माइनस फोर और ए का मान क्या है एक इंटू एक, और सी का मान क्या है माइनस तीन, तो हमने ये भी लिख दिया। अब बटे में क्या है, इसके बटे में है टू ए, मतलब ए का मान क्या है एक, तो हमने एक लिख दिया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस एक, और प्लस माइनस यहां हो जाएगा, और यहां क्या होगा माइनस एक का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार अगर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और एक का तो एक ही आएगा स्क्वायर, और यहां करेंगे गुणा तो माइनस का चार है माइनस का तीन है, तो माइनस चार ती बारह और माइनस माइनस प्लस, तो यहां जाएगा प्लस, और एक में गुणा करेंगे तो बारह का बारह ही आएगा, तो हमने ये कर दिया। बटे में दो, दो एकम दो। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां आ जाएगा एक, एक तो एक ही रहेगा है ना, और यहां क्या बचेगा प्लस माइनस, यह हो जाएगा तेरह, और तेरह बटे हमारा क्या आएगा दो। अब अंडर रूट तेरह का मान कितना होता है, तो अगर तेरह का मान मतलब इसका वर्गमूल, तो तेरह का वर्गमूल जो होता है वो होता है, ये मान होता है 3.6 है ना, एक प्लस माइनस अंडर रूट तेरह का मान होता है 3.6 और बटे दो। अब क्या करेंगे, अब यहां हमारे पास प्लस और माइनस दोनों है, तो हमको क्या करना है दोनों कंडीशन में इसके मान निकालने हैं, मतलब प्लस का भी मान निकालना है और माइनस का भी। अगर हम प्लस लेते हैं, प्लस तो प्लस लेंगे तो 1 + 3.6/2, तो यहां हो जाएगा क्या 4.6 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा बटे दो, ये आएगा। और इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो कट जाएगा, तो दो से हम इसको काटेंगे तो हमको प्राप्त होगा, दो से ये चार कट जाएगा तो दो दूनी चार है ना, दो दूनी चार होता है। अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आएगा बराबर में 2.6, और छह को भी हम काट देंगे है ना, तो इसको छह को भी काटेंगे तो 2 × 6 = 2.3 ये आएगा। अब हम लेते हैं माइनस का, तो माइनस का लेंगे हम, यहां ले लेते हैं तो क्या आएगा, अगर माइनस का हम चिन्ह लेंगे तो 1 − 3.6/2 ये आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से माइनस आएगा चिन्ह, क्यों, क्योंकि माइनस का ज्यादा है तो एक घट जाएगा तीन में, तो बचेगा 2.6, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस जो है ज्यादा संख्या में है लगा है, और बटे दो। अब दो को काटेंगे तो 2 × 2 और 6 को काट देंगे तो 1 × 1.3 आ जाएगा, और ये आएगा किसका, माइनस का 1.3। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे प्लस वाला लेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो प्लस वाला, मतलब 2.3 इसका आंसर होगा। अब हम और देख लेते हैं क्वेश्चन, जो कि है पांचवा क्वेश्चन। अब ये पांचवा क्वेश्चन किस तरीके का है, अब देखिए ना तो इनकी संख्याएं समान हैं और ना ये इन्फिनिटी तक हैं है ना, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हमको सिंपल क्या करना है, इन सभी को उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम इसको किए हैं, लेकिन इसमें हम कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। कैसे, पहले हम 16 को सॉल्व करेंगे, फिर 21 को, फिर 11 को। तो करते हैं हम पांचवा क्वेश्चन, तो इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट 11 है प्लस अंडर रूट 21 है और प्लस अंडर रूट इसके अंदर क्या है 16 है, ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा है ना, लेकिन अभी हमको इतना ही दिया है इसमें, तो हम क्या करते हैं पहले 16 को सॉल्व करते हैं और 21 को भी सॉल्व कर लेंगे और 11 को भी। तो 16 को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 11 प्लस अंडर रूट 21 और फिर प्लस है, तो अब 16 को हम अलग से क्या करते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं 16 के। तो 16 के गुणनखंड क्या आएंगे, यहां निकाल लेते हैं, तो 16 के गुणनखंड आएंगे 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, मतलब 2 के जोड़ कितने बने 1 2, तो यहां क्या है 2 × 2 = 4, 4 बाहर निकल आएगा, मतलब इसका जो करनी है वो हट जाएगी, तो यहां आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, मतलब अंदर जो है करनी से करनी हमको सॉल्व करते जाना है। अब 11 तो आया, 21 और 4 हो जाएगा कितना 25। अब हम 25 आया तो 25 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट 25, तो ये 5 का वर्ग होता है ना, ये तो हमको पता है, तो हम सॉल्व क्यों करें, लेकिन कर लेते हैं, 5 × 25 और 5 × 5, मतलब 5 के 2 जोड़े बने, मतलब 5 बाहर आ जाएगा इसमें,
तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 11 और प्लस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, बराबर में अंडर रूट 16। अब हम 16 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2। अभी हमने 16 को सॉल्व भी किया है, ये किया है ना, तो ये हमारे 2 2 4 चार बाहर आया था, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब पांचवा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, तो पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अंडर रूट 136 प्लस अंडर रूट 57 और प्लस फिर हो जाएगा तो 49, अंडर रूट 49। इसको हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने अभी इसके पहले किया, तो पहले हम 49 को सॉल्व करेंगे, पीछे से स्टार्ट करते हैं ना, 49 को सॉल्व करते हैं, तो 49 के हम क्या निकालते हैं, गुणनखंड है ना, तो 49 के होते हैं, ये 7 का होता है, लेकिन हम भी अगर कोई कठिन संख्या आती है तो उसका ऐसे ही निकालेंगे, तो ये जाएगा किससे, 7 से, 7 7 49 और 7 1 7, मतलब 7 आ गया है ना, 7 बाहर निकलेगा क्योंकि 7 के दो जोड़े बन रहे हैं, तो हम निकाल देते हैं 136 प्लस अंडर रूट 57 और यहाँ अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 7। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 136 और 57 और 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 64 है ना, ये आ गया। अब 64 को सॉल्व करते हैं, अंडर रूट के अंदर है जो, तो 8 8 64 और 8 1 8 है ना, तो दो जोड़े 8 के बन गए, तो 8 बाहर आ जाएगा, तो 136 प्लस 8। अब 136 प्लस 8 कितना हो गया, 8 इसमें जोड़ देंगे तो 44 144, और 144 जो होता है वो 12 का होता है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड इस तरीके से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 12 आंसर है ना। इस तरीके से आपको करणी से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, अलग अलग टाइप के करणी के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।